वैसे आपको कोई सिंगिंग वगैरह का शौक है? नहीं। वैसे गाने वगैरह सुनती है म्यूजिक? Yes, I do. किसकी सुनती हैं आप? पाकिस्तान में तो सबको पता है आतिफ असलम के गाने सबको ही पसंद है बहुत ज्यादा, तो मैं वही सुनती हूँ। बाकी मोस्टली मैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट सुनती हूँ, सेलेना गोमेज जो है, उसके बाद देयर आर सो मेनी मोर जिनको मैं सुनती हूँ। जी, तो सेलेना गोमेज और आतिफ असलम जो है, ये तो सर बातें होती रही। माशाल्लाह जितनी आप प्यारे हैं, तारीफ करनी चाहिए जो प्यारा हो जी। तो you. आपको भी कोई ऐसा शख्स जिंदगी में है जो आपको प्यारा लगता हो? अभी तक तो नहीं। नहीं तो आइडियल भी होता ना, मेरी तरह देख के आप सच बोले कि आपका आइडियल आपको मिल गया ना? नहीं। अच्छा, प्यारी कह के आपको बड़ी लंबी वजाहत करनी पड़ती है कि यूं करके यूं, तो फिर यूं करके यूं। कह दिया तो कह दिया, खत्म होगी बात। नहीं सर, वो मैं चाह रहा था ना खसम के होता ना कि आइडियल भी, तो अगर वो प्यारा शख्स हो इस दुनिया में तो कैसा हो वो? कैसा हो? सवाल तो मुश्किल है, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन इट। मैं चाहती हूँ कि जो इंसान हो वो ऑप्टिमिस्टिक सोच हो उसकी, लाइक हर चीज में बैलेंस हो। कौन सी सोच हो? ऑप्टिमिस्टिक सोच। तर्जमा दसना जी। ये ऑक्टोपस समझ रहा है। इसका मतलब ये है कि हर चीज में बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि मुझे एक्सट्रीमिस्ट या एक्सट्रीमिज्म लोग भी हों या एक्सट्रीमिस्ट चीजें मुझे नहीं पसंद। अभी मैं आपकी एस्ट्रिक्स नहीं समझ पाया, आप आपने एक्सट्रीम और एक्सट्रीम भी बात कि अभी वो ऐसा ऐसा थोड़ा सा एक्सट्रीम किसी भी चीज का वो बुरा होता है, ओवरडू नहीं करना चाहिए, तो हर चीज में एक बैलेंस होना चाहिए। तो आई थिंक वो उस इंसान वो तो मॉडरेशन के अंदर आप आ जाएगा ना, ऑप्टिमिज्म तो हो जाएगा कि एक पॉजिटिव सोच का आदमी हो, हर चीज के बारे में पॉजिटिवली सोचता हो और उम्मीद रखता हो उसको। सो इट्स लाइक ऑल इन वन वर्ड for that person. हर चीज में बैलेंस हो। फैशन सेंस काफी अच्छी होनी चाहिए। Honest हो, caring और उसकी फैशन सेंस अच्छी हो। करता वो चाहे जो भी हो, लेकिन फैशन सेंस अच्छी होनी चाहिए। और फैशन सेंस अच्छी क्या है आप जरा बताएंगे आपके लिए? फैशन सेंस अकॉर्डिंग टू मी लाइक अप टू द मार्क, जो आजकल जो ट्रेंड्स हैं उनको फॉलो करना। अगर जैसे स्किनी जीन्स नहीं है फैशन में और आप उसको स्टिल कैरी कर रहे हो, सो यू आर नॉट फॉलोइंग द फैशन और द ट्रेंड दैट इज गोइंग ऑन। तो आपको अकॉर्डिंग टू द फैशन रहना पड़ता है, जैसे आजकल प्लाजूज या खुले पजामे या खुली खुली चीजें, इनमें बैगी जो होती है ना, लेकिन जो टाइट ड्रेसिंग करते हैं आई डोंट लाइक। मगर फैशन सेंस आपके लिए सबसे इंटीग्रल पार्ट है इस पूरे उसमें से। आई थिंक कि आप जब कहीं मूव कर रहे हो तो आप जब तक बोलते नहीं हो तो लोग आपको आपके पेरेंट्स से जज करते हैं। तो आई थिंक जो फर्स्ट आपका इम्प्रेशन होता है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए अगले बंदे पे। मेरी बहन, मसला ये है कि ये फैशन के अलावा कोई जिंदगी में कुछ करता भी हो? ऑब्वियसली करता होगा, तो मेरे पेरेंट्स मुझे देंगे उसको। मैं अपनी चीजें बता रही हूँ कि मुझे ये चीजें भी चाहिए। उसमें आपने ऑनेस्टली कही थी और फैशन सेंस, फैशन सेंस अच्छी हो, वो अपना जिम करे, अपने आप को अपनी बॉडी को मेंटेन रखे, और या बस यही चीजें, बस यही चीजें हैं। बस बेसिकली एक फिट आदमी होना चाहिए जो अप टू डेट कपड़े रखे। असगर जिम खोल में आ रहे हैं यार। जिम में जॉब करते हैं और टाइम पे जाते हैं, माशाल्लाह सफाई करते हैं। और खान साहब, आपने देखा कि सर फैशन कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है अब आजकल के जमाने में? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अच्छा नूर, फैशन तो अच्छा कर दो, कमाता कितना हो? कमाता भी अच्छा खासा। कितना? ब्रांड्स एंड ऑल ये सब कुछ हो फैशन में? या तो फिर तो उसको बहुत पैसे कमाते होने चाहिए ना, वो ब्रांड्स ब्रांड्स है अगर कहीं वो नहीं स्पेसिफिकली बिजनेसमैन ना हो। हाँ नहीं, जो जो भी कुछ करता हो बस मेंटेन कर सके। सबसे अगर अच्छी है इस वक्त जिस शर्ट पहनी है ना, तो वो ऑन नहीं पहनी है। ये बिल्कुल अभी पिछले हफ्ते ही गए हुए थे ये बीच पे, तो वहाँ से ये लेकर आए थे। और जेदी चुख के ले आए ने, वो इन्होंने पर्चा कराया।